आज के इस सेशन में हम लोग फॉर्मूला एंड फंक्शन के इस सीरीज में मिड फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको पीछे के सेशन में लेफ्ट राइट और रिप्लेस फंक्शन को यूज करके हम आपको खोजना बताए थे। अब आज के इस सेशन में हम लोग मिड फंक्शन मतलब बीच के बारे में, बीच से वैल्यू हम लोग को लेके आएगा। पीछे वाले सेशन में लेफ्ट राइट हम निकालना सीखे हैं, आज के सेशन में हम लोग मिड फंक्शन का यूज करना जानेंगे। तो मिड फंक्शन बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई विशेष बात नहीं है। तो हम पहले आपको सिंपल मिड फंक्शन का यूज करना बताएंगे, उसको डिफरेंट टाइप से कॉम्प्लिकेटेड करके या कॉम्प्लिकेटेड माध्यम से उसको फिर से हम लोग कैसे खोजेंगे, ये हम लोग मिड फंक्शन का काम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरली यूज करते हैं, या आप कहिए एडवांस मिड फंक्शन के बारे में भी, या एडवांस टेक्स्ट के अंदर में मिड फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सिंपल पहले जो इसका मेन कंसेप्ट है वो लेके चलते हैं, फिर आपको उसके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मिड, यहाँ लिखता है रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट गिवन ए स्टार्टिंग पोजिशन पोजिशन एंड लेंथ। तो आप जो ही मिड लिखेंगे तो ये लिखेगा, लिखिए मिड फंक्शन, आप ब्रैकेट दीजिए। अभी कहता है स्टार्ट, टेक्स्ट कहता है तो आपको किसमें से छांटना है, कॉमा दीजिए। अब कहता है स्टार्ट नंबर, तो कहाँ से लेके कितना तक चाहिए। तो सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 और मान लीजिए एक ब्लैंक है, तो पांचवें जगह से हम देते हैं सपोज कीजिए। अब कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कोई भी फॉर्मूला याद दीजिए तो आप यहाँ इसके सिंटैक्स पे नीचे में ध्यान दीजिए, सारा ऑप्शन लिखा रहता है, इसके हिसाब से हमें काम करना होता है। अब कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना के बाद, स्टार्ट पांचवा से कितना बाद आपको चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सपोज कीजिए कि हम 5 लिखते हैं और आप इस ब्रैकेट्स को कॉमा, आप फिर 5 दीजिए और ब्रैकेट आप बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये देखिए हमारा कुमार दिया, तो इसका कुमार तो दिया। अब आप अगर इसको पकड़ के खींचते हैं सपोज कीजिए, ये देखिए अब किसी का कुमार दिया, किसी का ORS, देखिए S आ गया, ELRA दिया गया, 5 दिया। तो ये हमारा मिड फंक्शन हर एक जगह नहीं लग सकता है, एक निश्चित वे में उतना ही कैरेक्टर से रिप्लेस करके या उतना ही फाइंड करना है तो आपका काम आएगा। तो ये हमारा मिड फंक्शन जनरल फंक्शन में होता है, जो लोग जनरल बताते भी हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा आपको फाइंड फंक्शन का सहारा लेके डिफरेंट टाइप से फंक्शन का यूज करके, हम पीछे में भी आपको लेफ्ट राइट करना बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब उसी का सहारा लेके हम आगे आपको इसी का एडवांस टेक्स्ट कहिए या एडवांस मिड फंक्शन कहिए, हम विदाउट ये इस रूप से नहीं करके हम आपको अलग फॉर्मूला लगा के अब आगे बताते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सब टाइप का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर लगाइए यहाँ पे दीजिए इजिकल टू मीट। अब वही बात आप करिए, स्टार्ट टेक्स्ट पूछता है तो आपको कहाँ से छांटना है, तो इस टेक्स्ट से हमारा मीट फंक्शन चाहिए, आप कॉमा लगाइए। अब हम आपको फाइंड फंक्शन पढ़ाए थे, अब हम यहाँ फाइंड पास करेंगे, जो ही फाइंड पास करेंगे तो अब मेरा फाइंड का बात होगा। अब लिखता है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर, तो फाइंड टेक्स्ट कहाँ से खोजेगा तो आप इससे दीजिए, फिर आप कॉमा लगाइए। अब विद इन टेक्स्ट खोजता है, मतलब आपको ये क्या खोजना है, सॉरी। तो सबसे पहले कहता है फाइंड टेक्स्ट, आप इसमें ब्लैंक स्पेस खोजिए कॉमा। अब कहता है विद इन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट से खोजना होता है और इसको फिर आप यहाँ पे दीजिए और ब्रैकेट बंद कीजिए। अब कहता है यहाँ पे ये स्टार्ट नंबर, तो हम शुरू से खोजते हैं, मतलब +1 लगाते हैं, कॉमा दीजिए और आपका होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर। सपोज कीजिए कि हम 5 देते हैं और आप ब्रैकेट बंद कीजिए। अगर हम इतना लिख के इंटर अभी मार दें तो क्या करेगा ये, राम के बाद आपका कुमार में से ये ब्लैंक स्पेस खोजेगा और उसके बाद पहले पोजीशन से 5 दिखाएगा। आप जो ही इंटर लिख के मारिए, ये देखिए आपका कुमार आ गया।
अब जो ही इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो आपको इस रूप से दिखा। अब यहाँ देखिए पांच ही दिया, किसी का दिया, किसी का ये देखिए पूरा नहीं दिया, क्या ये से चो वो ही दिया, पांच ही दिया। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला भी खूब कारगर नहीं है, मतलब नहीं काम आएगा। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एडवांस करते हैं और करते हैं। अब फिर क्या कीजिए, इसी में हम लोग लिखते हैं इजिकल टू, फिर आप फाइंड लगाइए, सॉरी मिड लगाइए। ये हमारा मिड फंक्शन का कंसेप्ट है, मिड दीजिए। अब कहता है स्टार्ट टेक्स्ट, तो आप इसका लीजिए, कॉमा दीजिए, फिर हम इसमें फाइंड पास करते हैं। फाइंड पास कीजिए, ब्रैकेट दीजिए, क्या खोजना है तो हम ब्लैंक स्पेस खोजना बताया है तो आप खोजिए, और फिर कॉमा दीजिए। अब कहता है विद इन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट से आपको खोजना है, आपको वही मालूम है, ब्रैकेट दीजिए और प्लस वन कीजिए। इतना तो हम आपको किए ही थे। अब चूंकि पहले वाला में क्या था कि पहले टेक्स्ट को खोजा, अब इसके अंदर में एक और हम फाइंड पास करेंगे कि दूसरे जगह से, चूंकि आपको ये सिंग भी छाटना है, बी से हमारा लेना है, तो आप फिर से इसमें फाइंड लगाइए, फिर फाइंड लगाइए, फिर ब्रैकेट दीजिए, अब ब्लैंक स्पेस फिर खोजिए और कॉमा दीजिए। अब आप इसका रेंज दीजिए, विद इन टेक्स्ट पूछता है तो हमारा इससे देगा। अब अगर हम लोग यहीं पे इंटर मार देते हैं तो ये क्या करता है, ये देखिए हमारा मिडिल लास्ट दिया। अब अगर इसको पकड़ के आप खींच देते हैं तो आपका फिर मेरा पूरा नहीं दिखा। ये देखिए कुमार के साथ साथ ये प्रसाद में आरे भी आ गया है, नहीं तो ये हमारा मिडिल लास्ट दिया, मिडिल लास्ट भी पकड़ लिया और कुछ पकड़ा कुछ नहीं दिया, तो ये भी हमारा फॉर्मूला उस रूप से काम उतना कारगर नहीं हो पाता है। अब इसी में थोड़ा सा और एडवांस कीजिए और बढ़ाइए, उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमारा क्या काम करेगा आप चेक कीजिए। अब इसमें फिर से मिड लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, अब वही बात स्टार्ट पूछता है तो इसका दीजिए, कॉमा दीजिए, फिर आप इसमें फाइंड लगाइए, फिर ब्रैकेट दीजिए, अब फाइंड टेक्स्ट क्या खोजना है तो ब्लैंक खोजवाइए, कॉमा, विद इन टेक्स्ट पूछता है तो स्वाभाविक है कि यही इसका कैरेक्टर हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस वन दीजिए, ये तो ठीक ही है, यहाँ तक हम आए हैं। फिर अब इसके अंदर में हम एक और फाइंड पास करते हैं, आप लिखिए फाइंड, फिर ब्रैकेट दीजिए, अब फिर एक और ब्लैंक स्पेस खोजते हैं, कॉमा दीजिए, फिर विद इन टेक्स्ट मतलब इससे खोजेगा और फिर कॉमा लगाइए, इसमें और एक उसके बाद का फाइंड करेगा, फिर से हम लोग इसमें फाइंड लगाते हैं, ब्रैकेट दीजिए, फिर आप ब्लैंक स्पेस खोजिए, कॉमा, और फिर विद इन टेक्स्ट पूछता है, ये दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और प्लस वन, और इसमें डबल ब्रैकेट आप बंद कीजिए। अब इसको समझने की चीज़ है, हमने दिया कि पहले बार में खोजवाए थे दूसरा हुआ, और तीसरे बार में हमने दिया कि बाद का स्पेस से दूसरे जगह के स्पेस से फिर खोजो और उसके बाद तक का खोजो, और फिर इंटर लिखे। अब क्या हुआ कि हमारा इसमें भी ये मिडिल लास्ट दिखाया और पूरा दिखाया, ये भी हमारे लिए उस रूप से उतना कारगर नहीं हुआ, ये आपको दिखा दिया तो हमारा इतना भी नहीं हुआ। अब हमको इस फॉर्मूला के साथ साथ से लास्ट वाले से माइनस करके तो बीच का हम निकाल पाएंगे, जिसमें कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगा के काम कर सके, तो ये भी हमारा उस रूप से नहीं हुआ। अब लास्ट में हमें फाइनल करके बनाया, जिसमें इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग यूज करके देखते हैं। फिर लिखिए इजिकल टू, लिखिए यहाँ पे मिड फंक्शन लगाते हैं, अब ब्रैकेट दीजिए, अब वही कहता है स्टार्ट नंबर, ये स्टार्ट पूछता है, टेक्स्ट पूछता है, आप दीजिए, कॉमा दीजिए, फिर हम लोग इसमें फाइंड पास करते हैं, अब ब्रैकेट दीजिए, अब आप ब्लैंक स्पेस खोजेंगे, आपको मालूम है फिर किससे खोजेगा विद इन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट से खोजेगा, आपका इसका रेंज दीजिए और फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस वन, ये सब हम लोग को पीछे से भी करते आए हैं, फिर आप दीजिए, फिर आप इसमें फाइंड कीजिए और फिर ब्रैकेट दीजिए, आप ब्लैंक स्पेस फिर खोजिए, कॉमा लगाइए, और किससे खोजेगा तो यहाँ से हमारा खोजेगा, फिर कॉमा लगाइए और आप फाइंड दीजिए,
फिर ब्रैकेट दीजिए और ब्लैंक स्पेस फिर खोजवाइए इससे, फिर किससे खोजेगा तो इससे खोजेगा, ये रेंज पे क्लिक कीजिए और ब्रैकेट बंद करके प्लस वन देते हैं। ये तो इतना आपको आता ही है। अब हमको इसमें से माइनस कर दे होंगे, चूँकि हमको इधर से भी खोजना है, राइट से मिड से चाहिए, इसलिए आप फिर माइनस करिए और फिर फाइंड फंक्शन लगाइए और फाइंड फंक्शन के साथ साथ ब्लैंक स्पेस आप खोजवाइए और कॉमा लगाइए। अब किस टेक्स्ट से, तो इसी टेक्स्ट से खोजेगा और यहाँ पे फिर ब्रैकेट दीजिए और हम अब इसमें माइनस वन कर देंगे और अब आप यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए। तो जो ही लिख के आप इंटर मारेंगे आपको ये देखिए अब हमारा फाइनल कुमार आ गया। अब आप इसको जो ही पकड़ के खींचेंगे तो आपको इस टाइप से वो निकाल लिया। ये देखिए हमारा इसमें पूरा पूरा आया, कहीं से कोई किसी में कम है, ये देखिए पाँच है, किसी में ज़्यादा है, किशोर में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो ये अब हमको स्टार्टिंग आए, ये एडवांस टाइप का है कि किसी में जैसा जो रहेगा उसके हिसाब से हमारा ये छांट के दिया। आप इसको हम F2 करके मारते हैं। आप इस फॉर्मूला को फाइनल समझिए, आप समझने का चीज़ है, आप इसको लिखिए और उसके हिसाब से हम लोग इसको करके देख सकते हैं। हम आपको बारी बारी से सबको तोड़ तोड़ के समझाए हैं किस फॉर्मूला को आप कब यूज करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा मिड, ये कहाँ से खोजेगा, फिर हमने फाइंड यूज किया, फिर डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस खोजे, फिर हम जिस रेंज से खोजना होता है उसको लिखे, प्लस वन दिए, मतलब ये शुरू से खोजेगा। तो शुरू से खोज के लाया, पहला स्पेस खोजा, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए फिर हमने दिया कि उसके आगे बढ़ो और फिर ब्लैंक स्पेस खोजो, फिर उसी रेंज से खोजना है और फिर से उसको हमने उसी रेंज के साथ साथ एक और बढ़ाया और आगे बढ़ा के फिर हमने माइनस किया, मतलब पीछे उसको लाए और फिर उसी रेंज को हम लोग माइनस कर, मतलब बैक आ गया, तो ही हमारा बीच का दे दिया। तो इस टाइप से आप मिड फंक्शन का यूज करके आप फॉर्मूला को लिख के आप वैल्यू पास करके आप देख सकते हैं। हम आपको जनरल बताएं, फिर थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा के बताएं, फिर उसमें थोड़ा लॉजिक बढ़ाए, फिर थोड़ा लॉजिक बढ़ाए और लास्ट में हमने पूरे फंक्शन को यूज किया। तो जगह जगह पे आप सारे फंक्शन को राइट डाउन कर ले, पहले लिखे, उसको चेक करके देखें कि हमने जब ये फंक्शन लगाया तो हमारा क्या काम किया। इस फंक्शन में हमने देखा कि हमारा 5 तक का ही काउंट किया। आप समझ सकते हैं पहले पोजीशन से 5 ब्लैंक स्पेस हमारा यहाँ के मिला, उसके जगह से 5 मतलब कुमार हमारा दिया, तो ये हमारा फिर कारगर नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला आपको लगा के बताया जिसमें एक स्पेस तो खोजे ही थे प्लस वन तक, आप जानते थे, उसके बाद हमने फिर उसके आगे का खोजे, फिर ब्लैंक स्पेस खोजे, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये पूरा नहीं देता है, मिडिल लास्ट भी पकड़ के आ जा रहा है। फिर उसी के हिसाब से हमने तीसरा फॉर्मूला लगाया जिसमें तीसरे बार फाइंड किया, उसमें भी वही किया, तो हमारा पूरा आ जा रहा था, लेकिन मिडिल लास्ट के साथ साथ ये बीच के साथ साथ लास्ट भी आ जा रहा था। तो हमने फिर उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और लॉजिक बढ़ाया जिसमें उतना तो था ही और माइनस करके हम बैक हो गया, ब्लैंक माइनस फाइंड किए और बैक आ गया और उसके हिसाब से हमारा ये खोज लिया। तो अगर आपको ऐसा कोई फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड मिलता है तो आसान करके इसको पहले लिखिए, फिर इसको आप यूज करके प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको मिडिल में आपको जैसा भी है जिस रूप से खोजना है तो आप इसको खोज के देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एडवांस टेक्स्ट के अंदर में एडवांस मिडिल फंक्शन का क्या काम है, हम लोग मिडिल फंक्शन के यूज करके कोई भी टेक्स्ट को मिडिल से कैसे छाँट के लाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS Excel के अंदर में एडवांस फंक्शन का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।